हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं एक रिलेटिव के घर, और हमारा भी इच्छा था कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा ड्रोन शॉट करें, उनका गांव का थोड़ा ब्लॉग बनाए। तो आज बहुत ही क्लाउडी वेदर है, पता नहीं वहाँ पे रेन हो गया तो बारिश हो गया तो ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे अगर बारिश रुका तो ड्रोन उड़ा लेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल हमारे ही रूम पे है, अभी निकलने वाले हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके वेदर कैसा होता है। तो उनके गांव का भी, इंडियन रेलवे का थोड़ा आपको ड्रोन शॉट दिखा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो। आज लेके तो आया था ड्रोन, पर ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएंगे क्यों, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो ये जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं और आपको सबको भी दिखाते हैं। बारी चले जा। अरे यार, घर में सब बोल रहे थे कि बाहर बारिश हो रहा है, मत जाओ मत जाओ, पर आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मुझे जो रेलवे है ना, ट्रेन, वो देखने के लिए भी पसंद है बहुत, और उसमें सफ़र करने के लिए भी बहुत पसंद होता है। तो मैं बस ट्रेन देखने के लिए या फिर उसका थोड़ा वीडियो लेने के लिए जा रहा हूँ, आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ। যখন আসি আইছিল তোর ওই মাইনাস 71 ওই সময় পুরো প্রতিটা ব্লগ দেখেছি, মানে আর আমি আর ব্লগ দেখা শুরু করি ওই রাশিয়া থেকে, ঠিক আছে। আমার একদিন কি মনে হলো দেখতে, তো এরকম ভাবে দেখতে 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 তো ভালোই ঘুরছে। কে বললেন, ফাইনালি ট্রেন স্টেশন কে সামনে পৌঁছ চুকা হুম। इतना ठंडी हवा दे रहा है ना, जैकेट पहन के भी ठंड लग रहा है, पर बारिश हो रहा है ना इसलिए थोड़ा ठंडी भी फील हो रहा है। फिर भी एक दो ट्रेन देख के ही जाएंगे। ट्रेन लाइन क्रॉस कर रहा है भाई, देखो इंडिया में ही मिलेगा करने के लिए, यूएई में कहाँ मिलेगा। यह है स्टेशन का नाम, बेलमुरी, बंगाली में, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और टोटल तीन ट्रैक्स है, और मतलब अगर आप हावड़ा से, कोलकाता हावड़ा से अगर आपको क्या बोलते हैं, दिल्ली वगैरह जाना है तो ट्रेन इसी के ऊपर से जाते हैं, यही से जाते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं हैं, पर ये स्टेशन के ऊपर से ही जाते हैं। इतना ठंड लग रहा है मुझे कि मेरा बात थोड़ा अटक रहा है, समझ लेना आप लोग। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, पर अभी प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ दो नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जा रहे हैं। आप लोग कृपा करके सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। तो वैसे ही ठंड से दूरी बरकरार रखना पड़ रहा है। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे ना, क्या पागल है रे भाई, ट्रेन देखने के लिए क्या दिखा रहे हैं हमें भी, पर इंडिया का ट्रेन देखने के लिए मजा आता है। दुबई में तो मेट्रो मिलता है, और मतलब इसमें जो मज़ा है ना, इसमें जो एक देसी वाप अपना जो अपना सा स्टाइल है, वो मेट्रो में कहाँ है। और बचपन से मेरा ट्रेन बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, उसमें मैं देखना भी पसंद करता हूँ और सफ़र करना तो और भी पसंद करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा देख के गया। अभी वापस जा रहा हूँ घर तक, यहाँ पे अभी ठंड लग रहा है। और एक ट्रेन का सिग्नल हुआ है, ग्रीन कलर हुआ है, देखते हैं, वो भी देख के ही जाऊँगा। देखो कितना नज़दीक तक आ सकते हैं हम लोग ट्रेन का, एकदम आप छू के देख सकते हो। ये जो पीछे का डब्बा देख रहे हो ना गार्ड का, मुझे एक बार लाइफ में इसमें सच में यार बहुत ही इंटरेस्ट है कि इसमें एक बार चढ़ के सफ़र करूं, कहीं पे जाऊं, तो देखेंगे कभी ज़िंदगी में इसमें चढ़ के सफ़र कर सकता हूँ कि नहीं। पर ये तो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक
टू डू लिस्ट में है कि करना है बोल के। ठंड लग रहा है भाई, जा रहे घर की तरफ। भाई वाह, शिव जी भगवान, नंदी भगवान को यहाँ पे बिठाया गया है। इस बार आने के बाद फर्स्ट बारिश। दुबई में बारिश होता है तो मतलब थोड़ा सा ही होता है बस। यहाँ पे देखो सुबह से हो रहा है, रात तक होगा, इतना ही फोरकास्ट है। वो भी ये बस विंटर सीजन है, अगर रेनी सीजन होगा तो बाहर निकलना ही मुश्किल है। चलो फाइनली फिर से घर पे पहुँच रहे हैं। हाँ, अरे यार एक बस ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा इसको। So we are going to fly the drone. Just some pre-setup is going on. बारिश चल रहा है फिर भी थोड़ा रुका हुआ है, और मैं लैपटॉप भी नहीं लाया हूँ तो सिर्फ 15 मीटर हाइट तक ही जा पाएगा ड्रोन, तो थोड़ा उतना ही उड़ा लेता हूँ। वैसे ही बिल्डिंग का हाइट 2 फ्लोर का है, और 15 मीटर मतलब और 5 फ्लोर चला जाएगा। भाई सॉरी देखा जाए দেখতে পাচ্ছি। না উঠবে না, সকালে উঠেছিল 120 মিটার। হ্যাঁ এতটাই উঠবে। এবার তোদের বাড়িটা দেখাচ্ছি।